वास्तविक कलाकार। सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। बाहर मौसम की रिमझिम फुहारें पड़ रही थी। वर्षा का मनभावन संगीत महाराज को बड़ा ही मनभावन लग रहा था। तभी राजा ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस वर्ष भी वर्षा उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। ये बात सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे खिल उठे। मंत्री ने अपना सुझाव देते हुए कहा, इस अवसर पर राज्य के सभी कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें और सर्वश्रेष्ठ कलाकार का महाराज की ओर से सम्मान किया जाए। राजा की सहमति मिलते ही इस अनोखे वर्षा उत्सव की योजना फौरन तैयार हो गई। लेकिन सम्मान किस कलाकार का हो, महाराज ने पूछा। तब मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज हमारे राज दरबार में बहुत से कलाकार हैं, उन्हीं में से किसी एक को पुरस्कृत किया जा सकता है। इस अटपटे सुझाव को सुनकर तेनालीराम बोला, महाराज इस बार वास्तव में किसी वास्तविक कलाकार को सम्मानित किया जाए। वास्तविक कलाकार, कहना क्या चाहते हो तुम तेनालीराम, राजा ने आंखें तरेर कर पूछा। महाराज सच्चा शिल्पी कभी किसी को खुश करने के लिए मूर्तियां नहीं बनाता। मैंने एक ऐसा शिल्पी देखा है जो मूर्तियां बनाते बनाते जड़ होकर रह गया है, उसे अपने आसपास की कुछ खबर नहीं। तब तो हम अवश्य उस शिल्पी को देखना चाहेंगे, राजा ने कहा। और अगले दिन राजा कृष्णदेव राय अपने रथ पर सवार हो तेनालीराम मंत्री और प्रमुख सभासदों को साथ लेकर उस शिल्पी से मिलने चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में वे काला पहाड़ के निकट पहुंचे। पहाड़ की गुफा से ठक 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 की आवाज निरंतर आ रही थी। राजा कृष्णदेव राय गुफा के अंदर गए। उन्होंने देखा उनके चारों ओर काले पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां थी। उन्हीं मूर्तियों के बीच वो मूर्तिकार ऐसे बैठा था मानो वो भी कोई मूर्ति हो। राजा कृष्णदेव राय उसके पास गए और पूछा, किसकी मूर्ति बना रहे हैं आप? वर्षा रानी की। नीचे लहलहाती फसलें, ऊपर आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और बीच में नृत्य करती वर्षा रानी। राजा उन मूर्तियों को अचंभित दृष्टि से देख रहे थे। इतनी सुंदर मूर्तियां उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उन मूर्तियों को देखता हुआ मूर्तिकार से बोला, आप इन मूर्तियों को बाजार में क्यों नहीं बेचते? इनसे आपको बहुत सा धन मिलेगा। ये काम मेरा नहीं, सौदागरों का है। मैं मूर्तियां बनाता हूँ, इसी में मुझे आनंद मिलता है। कुछ व्यापारी हैं जो ये मूर्तियां ले जाते हैं, मुझे खाने पीने के लिए कुछ पैसा मिल जाता है, बस। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय अवाक से उस मूर्तिकार को देखते रह गए। उन्होंने अपने साथ आए दरबारियों की ओर इशारा कर वापस चलने का संकेत किया। राजा कृष्णदेव राय ने उसी दिन सारे राज्य में घोषणा करवा दी, इस बार वर्षा उत्सव पर वनवासी मूर्तिकार की कला का सम्मान किया जाएगा। मूर्तिकार की बनाई वर्षा रानी की मूर्ति राजमहल के उद्यान के बीचों बीच प्रतिष्ठित की जाएगी। ऐसा ही हुआ। उस अनजान मूर्तिकार की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, साथ ही सभी ने तेनालीराम की बुद्धिमता की भी प्रशंसा की।